विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन की गांठ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस को उनका फॉर्मूला पसंद है तो आगे की बातचीत होगी, नहीं तो फिर 2024 की लड़ाई अपने बूते ही लड़ने की तैयारी है। पुरानी कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही कहावत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लागू हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मामला खटाई में पड़ गया। चुनाव नतीजों के बाद सपा कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। वहीं सियासी घमासान के बीच 2024 की तैयारी को भी धार दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ कर दिया है कि अगर साथ चलना है तो पहले सीटों का बंटवारा करना होगा। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दे दिया है कि अब इंडिया गठबंधन से पहले सीट बंटवारा होगा और इसके बाद आगे की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के पहले जो बात तय हुई थी कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां नेतृत्व करेगा और दूसरी पार्टियां वहां उसका सहयोग करेंगी। इंडिया गठबंधन को इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना होगा। हमेशा इतिहास से कुछ ना कुछ सीखा जाता है और समाजवादी पार्टी ने भी इतिहास से सीखने का काम करा है, और वो इतिहास था 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। इसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उन्होंने कांग्रेस को 100 सीटें देने का काम करा, और उसमें रिजल्ट क्या आया, कितनी सीटों पे कांग्रेस जीता क्या आई, ये प्रदेश को भी पता है, देश को भी पता है। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने 2 लाख जिसमें उनका वोट से आ सके ऐसी सूची मांगने का काम करा है। जानकारी के मुताबिक सपा यूपी में कांग्रेस के लिए वही सीट छोड़ेगी जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी। इसके लिए सपा ने 2 लाख वोट पाने वाले प्रत्याशी की जानकारी मांगी है। वहीं अखिलेश की शर्त को लेकर कांग्रेस का कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल, सबको अपने सियासी स्वार्थ से ऊपर उठकर आगे आना होगा। इंडिया गठबंधन का जो गठन का उद्देश्य है वो इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश के आम आदमी के अधिकारों और भारत के संविधान को बचाना है। इंडिया गठबंधन लगातार इस पर चर्चा कर रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सीटों के बंटवारों को लेकर बात हो, सीट शेयरिंग क्या रहेगी, मुद्दे क्या होंगे, तो सभी विषयों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। कैसे सीटों का बंटवारा होगा ये इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। तो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल, वो उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही अपनी बात रखेंगे और वहीं पे सीट शेयरिंग होगी। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी लकीर खींच दी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की इस शर्त पर राजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।